मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। खेत में मिली नाबालिग लड़की की लाश, रेप के बाद जताई जा रही हत्या की आशंका। वहशियों ने लड़की शोर न मचाए इसलिए उसके मुंह में कपड़ा भी ठूस दिया था। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का है, जहां पर 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा की हत्या कर उसके शव को चेरी के खेत में फेंक दिया गया था और उसके मुँह में कपड़ा भी ठूस दिया गया था। परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और घटना के खुलासे के लिए 3 टीमों को गठित भी किया गया है। घटना थाना टुंडला क्षेत्र के एक गांव की है। छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। थाना टुंडला क्षेत्र के गांव निवासी 16 साल की नाबालिग लड़की, जो 10वीं कक्षा में पढ़ती थी, परिवार वालों के मुताबिक शुक्रवार दोपहर 3 बजे ये लड़की घर से लापता हो गई थी और उसकी काफ़ी खोजबीन की गई, लेकिन कहीं भी इस लड़की के बारे में कोई जानकारी नहीं हो सकी। और शनिवार सुबह गांव के ही शिशुपाल मिस्त्री पुत्र माधुरी प्रसाद के चेरी के खेत में इस लड़की की लाश पड़े होने की जानकारी सामने आई। CO अनिवेश कुमार ने बताया है कि छात्रा के मुंह में कपड़ा ठूसा गया था, उसके गले में दुपट्टा भी पड़ा था, उसकी गला दबाकर हत्या की आशंका है। रेप की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी। सभी एंगल को ध्यान में रखते हुए जांच पड़ताल की जा रही है। देखिए, नगला खार गांव के प्रधान जी द्वारा आज थाना प्रभारी टुंडला को एक सूचना दी गई कि एक चरी के खेत में एक लड़की का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी पहुंचे, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण पहुंचे, घटनास्थल का सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण किया गया है। शव को पंचायतनामा भर के PM के लिए भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमारी फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड की टीम आके यहाँ पे आवश्यक कार्रवाई कर रही है। इसमें 3 टीमें लगा दी गई हैं, थाना की टीम तो है ही, इसके अतिरिक्त SOG और सर्विलांस टीम लगा दी गई है। बहुत जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। देखिए, गले में उनके दुपट्टे का क्या कहते हैं दुपट्टा बंधा हुआ है और अन्य जो भी इसके कारण हो, हमसे सभी पे हम डॉक्टर से ओपिनियन लेंगे और जिस भी तरह के इसमें हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पे आगे की हम कार्रवाई कराएंगे।